हाँ जी नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे ARC सस्पेंशन। ये मेरी गाड़ी है स्कॉर्पियो क्लासिक S, अक्टूबर 2022 में परचेज़ की थी। लगभग 40,000 किलोमीटर मैंने इसको टोटल रन किया है और ARC डलवाने के बाद मैंने इसको लगभग 20,000 किलोमीटर चला लिया। तो चारों सस्पेंशन अपग्रेड हुए हैं, मैं आपको पीछे भी दिखाता हूँ। ये देखिए चारों सस्पेंशन अपग्रेडेड हैं। लेकिन रिव्यू देने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्कॉर्पियो क्लासिक S के जो स्टॉक सस्पेंशन है उनमें भी देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस गाड़ी में बॉडी रोल नहीं है, हाइट ज़्यादा है तो देखो मिनिमम तो इतना नॉर्मल बॉडी रोल इसमें आएगा ही आएगा। कोई भी गाड़ी ले लो, चाहे 50 लाख की ले लो, इसमें भी कोई ऐसा डराने वाला बॉडी रोल नहीं है। स्टॉक जो सस्पेंशन है उस पर भी गाड़ी बड़ी प्लांटेड चलती है। लेकिन मुझे इशू क्या था कि जब भी हम गड्ढों पे जाते थे ना तो वहाँ पे गाड़ी ऐसे ऐसे ज़्यादा शेक करती थी। तो शेकिंग की प्रॉब्लम को कम करने के लिए मैंने ये सस्पेंशन डलवाए हैं। एंड बहुत से बेनिफिट हुए हैं मुझे पर्सनली, मेरे लिए जो मेरी रिक्वायरमेंट थी उसको ये फुलफ़िल करता है। मैं गाड़ी ज़्यादा हाई स्पीड पर चलाता हूँ तो वो गाड़ी ज़्यादा प्लांटेड चलती है, स्पीड कम फील होती है। जैसे कई बार मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं 120 कब क्रॉस कर गया, जो आराम से 120 इस अप्रोच कर लेती है गाड़ी। तो पीछे मैं इसी गाड़ी में फैमिली के साथ ट्रैवल करता हूँ तो पहले क्या प्रॉब्लम थी कि ऐसे ऐसे गाड़ी जंप करती रहती थी। उस प्रॉब्लम को भी बहुत यानी कि 70% इसमें देखो डिफरेंस आया है। 45,000 इन्होंने चार्ज किया, तो अगर वो पैसे ले रहे हैं तो कुछ तो देखो देंगे। ये तो है नहीं कि वैसे ही 50,000 ले रहे हैं और कुछ देंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सच में बहुत सा रियली डिफरेंस आया है। पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, गाड़ी मेरी गंदी है, बारिश का टाइम है तो इस वजह से गाड़ी गंदी होगी। चलो आगे ड्राइव करते हैं और मैं आपको प्रॉपर इसका रिव्यू बताता हूँ, गाड़ी चलती कैसी है वो दिखाता हूँ। तो चलो लेट्स गो। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ये देखो जुगाड़ लगाए फ़ोन को माउंट करने के लिए ताकि ये गिरे ना। ऐसी भाई फॉर्म है, इसको ऐसे लगाना है, अब परफेक्ट है। चलो कुछ तो सपोर्ट मिलेगा। तो चलो जय माता दी, ऐसा कुछ हाल है मेरी गाड़ी का। भाई कसम से गाड़ी बहुत गंदी हो रही है, कहीं नहीं लगी कहीं नहीं लगी। चल मेरे भाई एक बार ना मैं वीडियो का एंगल देख लूं, उसके बाद चलते हैं। तो ठीक है भाई चलो चलते हैं, बाद में पता चलेगा वीडियो बनी कैसे है। तो आज देख लो जो मैंने सस्पेंशन डलवाया, ARC सस्पेंशन फॉर स्कॉर्पियो क्लासिक S, अक्टूबर 2022 मॉडल। देखो ये कोई कंपलसरी नहीं कि सभी को डलवाना है, जिसको जैसी जरूरत वैसा काम करवाओ। आई थिंक एयर की भी आपको ज़्यादा, तो भाई वीडियो बन रही है GoPro 12 से। हेड पे मेरे माउंट है, थोड़ा सा शेक कर रहा है, उस हिसाब से आइडिया लगाना। ये फ़ोन मैंने इसलिए माउंट किया कि ताकि जब मैं थोड़ा स्पीड पे चलाऊं तो मेरा ध्यान आगे रखे। मैं दोनों को मर्ज कर दूंगा, दोनों वीडियो को, आप उस हिसाब से आइडिया लगा लेना। तो भाई आगे गड्ढे देखो, यहाँ पे जब पहले निकलती थी ना तो भाई कसम से बक्खियाँ उखाड़ देती थी। चलती है आराम से,
एक जो आपको कटर कटर की आवाज़ आ रही है ना, वो ये लेफ्ट वाली विंडो से आ रही है। थोड़ा इसका ना लॉक का इस सीन है, तो बाकी देखो माइक कुछ ज़्यादा करता है कैप्चर। और देखो मैं तो बैठा हूँ, मैं बड़े आराम से निकला हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको कैसे शो हो रहा है। देखो वीडियो बनाने का मकसद ये है मेरा, ताकि देखो बहुत से लोग ना, जो उनको ये नहीं पता कि उनकी गाड़ी में बॉडी रोल है या क्या प्रॉब्लम है। देखो दो तरह के बॉडी रोल होते हैं, एक होता है कि जब भी जैसे ये आगे मोड़ है, यहाँ से टर्न लिया तो फील हुआ कि भाई गाड़ी ने तो बिल्कुल ही ग्रिप छोड़ दिया, वो था बॉडी रोल खतरनाक वाला। हाई स्पीड पे ब्रेक लगाई, गाड़ी को जाना था सीधा और चली गई इधर, वो होता है भाई बॉडी रोल खतरनाक वाला। 110-120 पे जा रहे हो, किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है तो डर लग रहा है, वो होता है भाई गाड़ी बॉडी रोल खतरनाक वाला। लेकिन देखो जो मैंने पहले ही बताया कि जो स्कॉर्पियो के स्टॉक सस्पेंशन है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। आप जो गाड़ी ऐसे ऐसे करती हो उसको, ठीक है वो है तो बॉडी रोल, लेकिन वो सभी ऊंची गाड़ियों में आपको मिलेगा ही मिलेगा। जिस भी गाड़ी में ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है, जो बॉडी ऑन फ्रेम है, उनमें सब में आपको ये बॉडी रोल मिलेगा मिलेगा। आप चाहे कोई सी भी ले लो, फॉर्चूनर देख लो, उसमें भी है, मैंने वो भी बहुत चलाई है। एंडेवर थोड़ा सा कम मिलेगा आपको, लेकिन उसमें भी मिलेगा। एंड स्कॉर्पियन में भी है, ये नहीं कि वो बिल्कुल ही बस भाई कार ही बना दी, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी हमने चलाई है। जब मैंने ये गाड़ी ली तो उसके बाद मुझे कुछ टाइम रिग्रेट हुआ कि यार मैंने वो गाड़ी क्यों नहीं ली, थोड़ी वेट कर लेता, उसका Z4 Z6 वेरिएंट ले सकता था। लेकिन भाई जो जे मजे देती है ना, जिसको इसकी लत लग गई ना, वो नहीं चला सकता, ना वो N चला सकता है, ना वो फॉर्चूनर चला सकता है, ना वो एंडेवर चला सकता है। इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है इस गाड़ी का, वो है विजिबिलिटी। भाई ऐसी शानदार विजिबिलिटी कोई भी गाड़ी आपको ऑफर नहीं करती आज की डेट में पूरे इंडिया में, बलैरो के बाद ये है भाई गाड़ी। और सेकंड, इसको सोचना नहीं पड़ता खड्डों में फेंकने के लिए भी, या इसका कुछ टूट जाएगा, रॉ फील देती है ये गाड़ी बिल्कुल। नीचे भी चल रहा है कैमरा अपना, ये देखो जुगाड़ लगाया आप लोगों के लिए। प्रोफेशनल ब्लॉगर तो हूँ नहीं, तो भाई ज़्यादा बातें भी नहीं आती, तो आप देख लो बस जैसे बना रहा हूँ। मेनली आप मजे लो भाई सस्पेंशन के। एक भाई इस गाड़ी को चलाने का मज़ा पता है, हर जगह पे मज़ा आता है इसको। सिटी में चलाओ, हाईवे पे चलाओ, गड्ढों पे चलाओ, पहाड़ों पे चलाओ, भाई इतना मस्त लो एंड टॉर्क है, और जो गजब का गियर बॉक्स है इसका,
कसम से मान लो हाईवे पे मैं जा रहा हूँ, मुझे अचानक ब्रेक लग गया ना, तो अगर स्पीड 30-25 भी पहुँच गई ना, वहाँ से भी छठे गियर से आराम से उठा लेती है, बिल्कुल भी ऐसे ऐसे नहीं करती गाड़ी। ये देखो एक्सीडेंट, मारुति जैन। चल भाई चल भाई चल। सॉरी भाई, सीट बेल्ट भूल गया था। गाड़ी में तेल भी कम है, देखो मैंने पिकअप लिया, पांचवें गियर हूं और गाड़ी 100 पे चढ़ भी गई। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि सस्पेंशन की वजह से ज्यादा भागने लगी, थोड़ा फील कम करवाती है यार, मतलब पता नहीं चलता, कई बार तो 120 का पहुंच गई, वो बीप देती है कंटिन्यू, तब पता चलता कि भाई गाड़ी तेज चला रहे हो, थोड़ा धीरे करो। मतलब जिस चीज़ के लिए स्कॉर्पियो को बदनाम किया जाता ना, उसका सलूशन तो भाई ये सस्पेंशन है और 100% है, और बाकी भाई कमियां देखो, ये नहीं है वो नहीं है, वो तो भाई फिर लेने से पहले देखना पड़ता है। ठीक है भाई, सस्पेंशन कोई भी जो नया बंदा होता है ना, वो पूरी तरह से टेस्टिंग नहीं कर पाता, और जब हम टेस्टिंग करते हैं ना, तब वैसे झटके कभी नहीं लगते साले, जैसे रूटीन में पता चलता है। अगर आपको दिख रहा है तो गाड़ी चल गई 120, छठा गियर लगाया, ना तो कुछ स्टेयरिंग में बबलिंग है और ना ही गाड़ी कोई ऐसा फील करा रही है कि हाँ भाई बहुत तेज जा रहे हो। अब विंड नॉइस बहुत ज़्यादा है इस गाड़ी में, क्योंकि एरोडायनामिक नहीं है, इसी वजह से विंड नॉइस बहुत ज़्यादा मिलती है इसमें। एक मिनट भाई, पहले देख लो क्या हो गया ये GoPro को। क्या दिक्कत है यार इसमें। चलो फोन को करते हैं ऑन, हो गया भाई, चलो आगे चलते हैं। मतलब यार मैं फर्स्ट ब्लॉग बना रहा हूँ, मेरा तो मजा ही खराब हो गया इस, और फोन के लिए साला कोई मॉड नहीं मिलता, मैंने पूरा इंटरनेट ढूंढ लिया। ये देखो ऐसे जुगाड़ करके खड़ा किया, अगर कुछ हो भाई आइडिया तो बताना, कोई अच्छा सा माउंटिंग फोन के लिए, हेड माउंट बता देना या फिर डैशबोर्ड पे जो माउंट हो, मतलब ऐसे ऐसे ना करे यार शे। मैंने रैप प्लास्टिक का मंगाया था, बहुत बहुत सॉलिड था भाई, वीडियो भी मैंने उसका डाला था,
लेकिन वो दोस्त ले गया यार। तो चलो भाई देखो, मतलब कैसे भी कट कुट मारो भाई, ओवरटेक करो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ जरा सा भी फील नहीं करवाती गाड़ी की। हाँ भाई आप स्कॉर्पियो चला रहे हो या कोई बड़ी गाड़ी चला रहे हो, बिल्कुल कार की तरह चलती है। भाई मैं एक सजेशन और दूंगा, जो लोग जैसे गाड़ी शेक होती है अगर उसकी वजह से वो चौड़े चौड़े टायर लगवा रहे हैं, पतले पतले चौड़े चौड़े, पतले मतलब साइड वाल वो इतनी सी होती है और जो उसका बेस होता है वो इतना चौड़ा, भाई तो मैं कहता हूँ बिल्कुल महा बेवकूफ लोग हो। अगर आप इस चीज़ को रोकने के लिए आप अगर आप टायर चौड़े करवा रहे हो भाई, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा ज़्यादा होगा। कारण मैं बताता हूँ, देखो सस्पेंशन का ट्रैवल काम कैसे करता है। मान लो आपका टायर किसी गड्ढे में गिरा, तो पहले वो फोर्स को खुद अब्जॉर्व करता है, उसके बाद जब उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है तो वो ट्रांसफ़र करता है सस्पेंशन को, बाकी का सस्पेंशन करता है। भाई दोनों का कम्बिनेशन होना चाहिए, फिर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर आपने टायर डबा साइड वाल होगी आपकी, मान लो जैसे इसमें आते हैं 235/65 R70, मान लो आपने लगवा लिया 255/55 R18, मतलब जो साइड वाल आपकी वो 55 होगी, या 50 लगवा ली किसी ने, उससे क्या होगा जो टायर की गड्ढों को ऑब्जॉर्व करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, वो पूरे का पूरा वेट ट्रांसफ़र करता है सस्पेंशन को, जिसकी वजह से सस्पेंशन ऐसे ऐसे झूलता है। और आप लोग सोचते रहते हो कि भाई चौड़े चौड़े टायर लगवा लिए फिर भी क्या, कुछ भी नहीं हुआ। देखो अगर आपकी गाड़ी हिलती जा रहा है, आप उसको कम करना चाहते हो, तो आप सिंपल सा लॉजिक है कि उसके सस्पेंशन का ट्रैवल कम करो। जिन गाड़ियों में सस्पेंशन ऑलरेडी हार्ड सस्पेंशन है, जैसे मेरी फोर्ड फ्री स्टाइल है, उसमें सस्पेंशन बहुत हार्ड है, उसमें भी यही प्रॉब्लम थी शेकिंग वाली, जब भी गड्ढों में जाते तो ऐसे ऐसे झूलते थे। तो उसके तो देखो दो फंडे हैं, या तो उसमें फोर्ड फिगो वाली सस्पेंशन लगा लो, ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाएगी, शेकिंग की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। सेकंड क्या, जो मैंने अब किया है, मैंने क्या किया, उसमें 15 इंच का टायर आता था, मैंने डलवा दिया 14 इंच का, और साइड वाल कर दी मैंने उसकी बड़ी। पहले जो उसकी साइड वाल थी वो थी टायर की, वो थी 60 185/60 R15। अब जो मैंने टायर डाला उसमें, वो डाला है 185/70 R14। जो पहले आता था 185/60 R15, जो अब डाला वो 185/17 R14। तो मतलब जितना रिम छोटा हुआ मैंने उतना टायर बड़ा कर दिया, तो ग्राउंड क्लीयरेंस भी सेम है, और अब भाई पता नहीं चलता वो सेडान से भी ज़्यादा कंफर्टेबल होगी, मज़े आते हैं उस गाड़ी को चलाने में। और इसमें क्या है, इसमें सस्पेंशन सॉफ्ट था, और साइड वाल भी अच्छी खासी है इस टायर की, तो मैंने सोचा भाई सस्पेंशन को थोड़ा सा ट्रैवल कम करते हैं। ये भी नहीं कि ये हार्ड, बिल्कुल ही हार्ड बना दिया, ऐसा नहीं है, इनकी अपनी इंजन है यार। लास्ट संडे लुधियाना जा रहा था, तो इतना बड़ा खड्डा था, मुझे पता भी नहीं चला गाड़ी ने कैसे उसको टैकल किया, मतलब बड़े आराम से निकल गई। और जो देखो मैं आपको इसका डायमेंशन बता दूँ सस्पेंशन के, किस हिसाब से इन्होंने अरेंज की है, जो आगे का सस्पेंशन है उसका साइज बिल्कुल सेम है। हार्ड है नहीं हार्ड है वो देखो टेक्निकल है, वो मुझे नहीं पता, ना ही मैंने टेस्ट किया, जितना मैंने टेस्ट किया हम तो वैसा इसे दबा के बता सकते हैं, वो मुझे सेम ही लगा। लेकिन जो इसके पीछे के सस्पेंशन है ARC के, वो जो स्टॉक सस्पेंशन है उनसे लगभग 5 से 6 इंच बड़े हैं। भाई मैं 10-15 किलोमीटर आ गया घर से,
चलते हैं वापस। और भाई जो भी वीडियो देख रहा है प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अगर अच्छा लगो तो ही करना भाई, ताकि पता भी चले कैसे कर रहे हैं। देखो मैं ये जो व्लॉग या वीडियो बनाता हूँ वो मैं कोई मनी अर्न करने के लिए नहीं बनाता, ये मेरा शौक है, मेरा अच्छा खासा बिजनेस है, अच्छी कमाई है उसमें, वेल सेटल हूँ मैं। मुझे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का शौक है, गाड़ियों का शौक है, तो थोड़ा सा अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर देता हूँ, ड्राइविंग के मजे तो ले ही रहा हूँ। और धीरे धीरे करेंगे भाई इम्प्रूवमेंट, बताते जाना। और जो ऑडियो है वो स्टॉक माइक से है, इस पे भाई कोई काम ही नहीं करता, जो मेरे पास माइक है वो इस पे लगते नहीं गोप्रो पे, और ना ही इतनी एडिटिंग वगैरह आती है, तो धीरे धीरे सीख लेंगे भाई। भाई देखो ये नहीं है कि यहाँ 100% ही इम्प्रूवमेंट है, जो इस गाड़ी में आते हैं स्टॉक वो पिछले सस्पेंशन से 30% इम्प्रूव है, और जो जे वाले हैं जे उससे लगभग 50% इम्प्रूव है। ऐसे नहीं कि गाड़ी निकल जाएगी हाथ से। जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन।
से बता देता कि कैसे चलती है, फिर भी मैंने कोशिश की है भाई अपनी तरफ से कि आपको हर चीज़ पता चले। देखो मैं गाड़ियाँ ओवरटेक भी कर रहा हूँ, मुझे मतलब 1% भी ऐसे फील नहीं हो रहा कि कंट्रोल में करनी है या कैसे करनी है। अच्छा मतलब यार टोटल बहुत मुझे पर्सनली अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये मेरी नीड को फुलफिल करता है बिल्कुल। जो मैं चला रहा हूँ मुझे सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए आपको बता रहा हूँ, मैंने एक दो बार चलाई है लेकिन प्लीज़ ऐसे मत यूज़ करना गाड़ी को, आराम से चलाना, सेफ्टी के साथ चलाना। मैंने जितना हो सका मैंने उतना सेफ्टी यूज़ करने की कोशिश की है, जैसे इसको भी हाथ में नहीं पकड़ा, इसका भी जुगाड़ लगाया, सामने दिखाने के लिए मैंने GoPro यूज़ कर रहा हूँ हेड माउंट के साथ। कोई बम्प बड़े बम्प हैं, आराम से निकलती है। पहले तो झूले जला देती थी भाई ये गाड़ी स्टॉक सस्पेंशन के साथ, मतलब उसमें आगे वाले को तो उसमें भी कमी फील होता था लेकिन पीछे वाला तो भाई भगवान का नाम लेने लग जाता था। भाई मैं पंजाब से हूँ, मेरी हिंदी टूटी फूटी जैसे भी है मैंने कोशिश की है बोलने की, ताकि अगर कहीं से भी आप वीडियो देख रहे हो तो समझ आ जाए आपको कि आदमी कहना क्या चाह रहा है। आगे भाई मैं आज एक दो दिन में माइक ऑर्डर कर रहा हूँ, अच्छा सा मैं देख रहा हूँ, सभी रिव्यू देख रहा हूँ सभी माइक्स के, जो GoPro में भी काम करे और मेरे फ़ोन पे भी काम करे, ताकि आपको एक अच्छी सी ऑडियो आउटपुट मिल सके, वीडियो देखने भी मज़ा आए। तो आज आप ऐसे ही काम चला लो भाई, पहली चिट्ठी साजन को दे आ, कबूतर जा जा कबूतर जा। अरे बाबा जी देखा ब्रेक कैसे आराम से कंट्रोल होती है बिल्कुल बड़े प्यार से मजे से। फिर भी भाई कार की सेडान की हैचबैक की बराबरी मत करना, वो अलग सेगमेंट है, वो होते हैं जलवे, ये होते हैं भाई रॉयल राजा महाराजा वाली फीलिंग जिसको चाहिए ना वो लेता है SUV। अब मेरे घर में क्या है सारे 6-6 फुट के हैं, ना किसी कार में आते हैं, ना किसी हैचबैक में, ना किसी सेडान में। तो गया था मैं लेने Scorpio N, उसकी बुकिंग बहुत ज़्यादा थी भाई डेढ़ साल की, और आपको पता ही है जिसके गाड़ी की चुल हो
वो एक दिन भी नहीं भाई वेट कर सकता, उसको अगर कुछ भी उठाना पड़ जाए वो ले जाता है। तो मैं ले आया भाई ये उनके। ओ फक भाई, ये फिर हो गया यार बंद। भाई मेरा गोप्रो हो गया था बंद, बकवास इन्वेंशन पता नहीं क्या बनाया यार ये। तो थैंक यू भाई, अब मैं घर पे पहुंच गया हूँ, किसी और दिन मिलते हैं। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दूसरों के साथ भी शेयर कर देना। और हाँ, अगर सस्पेंशन अपग्रेड करवाने हैं तो भाई करवा सकते हो। देखो काम तो किया है इन्होंने, ऐसा नहीं है कि भी बस पैसे ले लिए और कुछ भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हाँ सस्पेंशन को हार्ड कर दिया, आपको वो भी नहीं फील होगा। तो थैंक यू भाई, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। कोशिश करूँगा मैं अच्छे से अच्छी आपको कोई अच्छी नॉलेज वाली वीडियो दूँ। ऑडियो और वीडियो क्वालिटी दोनों में इम्प्रूवमेंट होगी, ये मुझे पता है कि मेरे ध्यान में है कि, लेकिन अभी आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो प्लीज़। क्योंकि मेरे पास जो माइक थे वो सिर्फ फ़ोन पे ही काम करते हैं, इसके साथ पेयर नहीं होते। तो मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर करनी है, कुछ कर रखा है, तो आगे मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपको भी दूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।